सो गाइस, ये ब्लॉग उस दिन का है जिस दिन हम लोगों को अचानक से दीपावली की तैयारियां करते करते ही घर से निकलना पड़ा। और वो दिन हमारा स्टार्टिंग का कैसा था तो आप लोगों को इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो देखिए, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सबको हैप्पी दिवाली। हमारा वेशभूषा देखिए, हैप्पी दिवाली करने का अभी मन नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा दिवाली अभी हैप्पी नहीं हुआ है, अभी स्टार्टिंग हुआ है। सब्जी काट रहे हैं और देखिए, आज हम गुरु पूजा का मतलब बृहस्पतिवार के पूजा का उद्यापन करेंगे। तो आज पहले सवेरे पूजा होगा, 10 बजे पंडित जी आएंगे, शायद 10 बजे का टाइम भी है। तो तब तक हम सोच रहे कि जो काम है वो निपटा लेंगे और तब तक इधर दूध चढ़ा देते हैं। खीर बनेगा और पुआ बनेगा, गुरु भगवान के भोग के लिए बनेगा। और तब तक हम सब्जी काट लेते हैं। ये देखिए कितना फ्लावर है, कितना सड़ा हुआ है। हमारे सर गए थे लाने के लिए। हमारा मैं जाता तो अच्छा लगता। हाँ, ये जाता तो अच्छा सामान लाता है, देख के लाता है। कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं क्या? ये भी गया था। पापा के नाम ये तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि इसको कुछ नॉलेज ही नहीं है। देख के लगता है, कुछ नहीं लगता। बिल्कुल लगता है, देख के ही लगता है। लेने में तो बिल्कुल ही नहीं गया है ना, एक चीज में इंटरेस्ट। मैं हर जगह नहीं जा सकती हूँ ना, इसलिए मेरा इधर का काम अच्छा बनता है तो मार्केट का काम बिगड़ जाता है। ये लोग अपने अब इसको मैं ऋषभ को भेज रही हूँ मिठाई लाने के लिए। अब देखती हूँ ये क्या काम करती है, ये क्या कांड करके आता है। मिठाई अच्छा लाता है कि कैसा लाता है पता नहीं। वो तो समझ नहीं, अभी सवेरे सवेरे सबको उठाना ही मुश्किल। एक बार उठ जाते हैं सब तो सलाह सरी बाहर के हवा आ गई। ठीक है, अपना सब कौन भाग ले राइट में काफी मतलब दिन के लिए लगते काफी छे ना। तू तीन गोटा खेली ना तो हम की करू है, सब्जी मात्र बना दी। ठीक है, हम 5 बजे खाना चाह दो। और पनीर क्या है? आलू मटर गोभी की सब्जी बना दो। पनीर आलू मटर मटर से फिर में मटर से चना फूल लगा दे। हम चना वाला नहीं बोल रहे से चना वाला चना ना फूल ले दो जी ना। अच्छी चले ना उड़ गए तो अच्छी तो अच्छी चले जा कलर। अभी किसके लिए कॉफी बन रहा है? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम जा रहे हैं फ्रेश होने, तैयार होने। और हम तैयार हो मट्टी तेल नहीं मट्टी तेल नहीं तो सारा तैयारी हो चुकी है। बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप लोगों को पूजा की तैयारियाँ। अभी पंडित जी आ रहे हैं तब तक मैं भी फ्रेश होकर तैयार व्यार होके कर लूँगी बाकी की तैयारियाँ मैं सब। तो जब ये पूजा हो रही थी चल रही थी तो एकदम से बहुत ज़्यादा मन खुश नहीं था मेरा। कहीं ना कहीं मन में घबराहट से हो रही थी कि भगवान का पूजा तो कर रहे हैं, उद्यापन कर रहे हैं, लेकिन क्या सही है? करना चाहिए, करना भी ज़रूरी था क्योंकि मैंने 3 महीने का ही ये व्रत उठाया था तो उद्यापन करना भी ज़रूरी था। लेकिन मन कहीं ना कहीं उदास था। वैसे आप लोग देखते होंगे कि जब पूजा करते हैं तो मेरा मन बहुत खुश रहता है, एकदम खुश रहती हूँ, अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ। पूजा में कोई कमी तो नहीं थी लेकिन फिर भी मेरा मन कहीं ना कहीं उदास सा था और ऐसा लग रहा था कि ऐसा मतलब कुछ मेरे से दूर जा रहा है ऐसा लग रहा था। और माहौल भी बहुत ज़्यादा रौनक वाला नहीं था। पूजा पे ध्यान तो था मेरा लेकिन फिर भी ऐसे होता है ना कि सब अच्छा होगा कि नहीं होगा, रात तक सब ठीक होगा कि नहीं, दीपावली है सब कुछ अच्छे से कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि पूजा टाइम मुझे कंफ्यूजन बहुत रहती है कि कहीं कुछ छूटा तो नहीं है कहीं कुछ। और इस बार का पूजा का तैयारी हम अकेले ही किए थे, माँ नहीं आई हुई थी क्योंकि माँ आती है तो सारा तैयारी माँ ही करती है, सासू माँ। तो पूजा पाठ ज़्यादा मैं जानती नहीं हूँ, पूजा पाठ की तैयारियाँ सब जो होता है ना वो हमेशा मेरी सासू माँ ही देखती हैं क्योंकि इतना कुछ मुझे पता नहीं रहता है कि कितना मतलब गहराई से जो विधि विधान रहता है, बहुत नियम रहता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उतना तो जानती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी पूजा पाठ में,
सब कुछ अच्छे से किए थे और जो भी कमी थी वो पंडित जी आए थे तो वो देख लिए थे। बाकी मन कहीं ना कहीं मेरा उदास था। आरजू बार बार आरजू को हंसी आ रही थी हर वक्त। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लिप नहीं लिए हैं लेकिन आरजू बहुत हंस रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी हंसी से भी मुझे गुस्सा आ रहा था कि पूजा करते टाइम लोग हंसते नहीं हैं, ध्यान से प्रार्थना करते हैं, ध्यान देते हैं कि भगवान कोई त्रुटि ना रह गई हो तो माफ़ करना करके ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये ब्राह्मण भोजन करना ही होता है, कराना होता है। तो वहाँ पे सर खा रहे थे, उससे पहले मैंने आयुष को ब्राह्मण भोजन के लिए बुलाया था क्योंकि ये इसका जन्म हो गया तो अब ये ब्राह्मण हो गया है। तो ब्राह्मण भोजन करते टाइम थोड़ा सा मोबाइल चला रहे थे तो इनको गुस्सा भी की मैं कि मोबाइल भी रखती हूँ वहाँ पर और ब्राह्मण को प्रणाम की। उसके बाद खाते टाइम मोबाइल चलाना एकदम गलत बात है। मेरा मन नहीं लग रहा था, मेरा मन हो रहा था कि मैं कहाँ जा। सर जी गलत बात है, रखिए मोबाइल। अब खाइए। पंडित जी भैया अमन। सो गाइज, अब हम लोग का बृहस्पतिवार का उद्यापन हो गया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत जल्दी उठाया था और बहुत जल्दी उद्यापन हमारा क्यों हो गया। तो क्योंकि मैं 3 महीने का ही व्रत की थी, क्योंकि 3 महीने का मुझे तो मैं 3 महीने का ही व्रत उठाई थी तो इसलिए मुझे ये उद्यापन करना था। 3 महीने के बाद मैं उद्यापन करूँगी तो नया से उठाऊँगी वापस से, तो अब 2-3 साल का करूँगी। मेरा कोई मन्नत नहीं है, मैं ऐसे ही करती हूँ। मेरी खुशी के लिए, मेरे घर के शांति के लिए मैं गुरुवार का पूजन करती हूँ। और आरजू इसलिए बैठी थी उद्यापन के लिए क्योंकि वो मुंबई में बहुत पहले स्टार्ट कर ली थी, बिना बोले स्टार्ट कर ली थी, बिना मेरे परमिशन के ही स्टार्ट कर ली थी अपनी मासी के साथ। तो वो पता नहीं, वो कर नहीं रही थी व्रत को, यहाँ पे आई ना तो मैं, वो बहुत बीमार थी अगली बार जो आई थी, जिस टाइम मेरा ऑपरेशन था तो गई। तो इसका ना वो मतलब वो बोली कि मुझे जाना ही करके वो चली गई, तो उद्यापन नहीं कर पाई क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन का डेट आ गया था, उसको भी जाना था, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई क्योंकि वो रहेगी तब ना मैं करूँगी उद्यापन उसके पूजा का। तो वो इस बार आई है तो मैं सोची अभी पकड़ में आई है, अभी सबसे पहले उसका उद्यापन करवा देती हूँ जो व्रत की थी। तो 1-2 बृहस्पतिवार का व्रत करके तब वो उद्यापन की, तो इसलिए उसका कराना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि क्या है ना, बच्चे अगर बात नहीं सुनते हैं ना तो क्या होता है ना, भगवान भी नाराज़ हो जाते हैं, भगवान भी मतलब सही रास्ता नहीं दिखाते, मन भटका देते हैं, रास्ता भटका देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा तू उद्यापन कर ही ले, उसके बाद मैं उसका ऑपरेशन करवाऊंगी। तो ऑपरेशन का डेट भी उसका आरजू का निकल आया है। अब डेट क्या है ये मैं आप लोगों को नज़दीक आएगा डेट तो ही बताऊंगी। फिलहाल छठ पूजा का तैयारी हम लोग करेंगे, अभी दुर्गा पूजा हो चुका है तो चलिए बस यहाँ तक। इतना अनहोनी हुआ, ऐसा अनहोनी वाला फ़ोन आया कि अचानक से हमारी दुनिया ही बदल गई। हम लोग पूरा रात, मतलब होता है ना कैसे काटे हो तो हम लोग ही जान सकते हैं, क्योंकि मम्मी सिमरिया में थी, वो कार्तिक मास करने गई हुई थी तो उनको वहाँ से पटना लाया गया। फिर हम लोग को पटना जाने के लिए हम लोग तैयार हुए जल्दबाजी में, सब कुछ जल्दबाजी में हुई। तो यहाँ पे मम्मी को लेके हम मुंबई जा रहे हैं, रात हो गई है, रात की फ़्लाइट मिली थी, दिन की नहीं मिल पाई क्योंकि मुझे पटना भी पहुँचना था और बच्चों को छठ के लिए, छठ पूजा के लिए गांव भेजती थी अपने ससुराल, क्योंकि तीनों बच्चों को ले जाना मुश्किल हुआ था। अचानक से फ्लाइट का टिकट 3 ही करना पड़ा, ज़्यादा करने का भी उतना बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो अचानक से हमें, मेरा जाना तो बहुत ही ज़रूरी था मम्मी को लेके, और हमारे सर गए थे हमारे साथ। बहुत ख़राब टाइम था लेकिन फिर भी मैं मम्मी को बहलाने के लिए सब कुछ ऐसे बार बार दिखा रही थी ताकि मम्मी का ध्यान ना वहाँ बटे। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टाइम में वीडियो कैसे बनाएं, तो वीडियो इसलिए बनाएं कि मम्मी को मैं बार बार बहला रही थी, फुसला रही थी कि देखिए मम्मी यहाँ पे ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, क्योंकि वो बार बार रोए जा रही थी। बार बार उनको ले जाना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, हम लोगों को इतना मुश्किल पड़ रहा था कि क्या ही बताएं। रात के 2:30 बजे हम लोग घर पहुंचने वाले थे, तो बस यहाँ से हम लोग सीधा घर ही पहुँचे। बस उसके बाद जो हुआ सबसे मिले और आप लोगों को क्या ही बताएं।